लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने के उपरांत शव फंदे पर लटकाया। प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी न होने पर परिजनों में आक्रोश। मांडा निवासी रहीशा बेगम का आरोप है कि वह अपनी पुत्री तराना बेगम की शादी 2018 में ग्राम रापमूर वाशिद अली पतुलखी थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर के निवासी इरफान अहमद पुत्र शमसुद्दीन उर्फ दाओ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी शादी। लेकिन कुछ माह बाद ही दहेज में मोटरसाइकिल और 1,00,000 की अतिरिक्त मांग किए जाने पर आए दिन मेरी बेटी के साथ मारपीट व गाली गलौज करते रहते थे। यहां तक कि दहेज की मांग पूरी न होने पर देवर फैजान व ससुर शमसुद्दीन द्वारा बदनीयति की भावना से दहेज की मांग पूरी न होने पर अकेला पाकर दोनों यौन शोषण किए, जिसकी शिकायत मेरी बेटी अपने पति से कई बार की। और यही बात मेरी बेटी अपनी बहन से फ़ोन द्वारा बता रही थी कि उसी समय उसके पति सास ससुर देवरानी मोबाइल छीन कर रात भर पिटाई की, जिससे मेरी बेटी की रात में ही मौत हो गई। मौत होने के उपरांत उन लोगों ने फांसी के फंदे पर लटका कर फांसी का स्वरूप आत्महत्या साबित करने में लग गए, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में 10 घंटे पूर्व की मृत्यु बताई गई। मृतिका की मां के द्वारा बताया गया कि मारपीट के निशान हमारी बेटी के शरीर पर भी मौजूद हैं, जो कि वीडियो और फोटो में साफ दिखाई दे रहा है। इन सब के द्वारा बेटी को प्रताड़ित किए जाने पर बेटी ने ऑडियो भी बना ली थी, जो कि ऑडियो सुनने में साफ पता चल रहा है कि अन्य रिश्तेदारों द्वारा बेटी की मौत की सूचना पाकर परिजन उसके ससुराल वाले पहुंचे तो वहां देखा कि नज़ारा कुछ और ही था, जिसकी शिकायत लालगंज थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया। लेकिन वहां के पुलिस प्रशासन के साथ रुपयों की लेन देन कर इन लोगों के द्वारा मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की जा रही है। मृतिका के मायके पक्ष के लोग थक हार कर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह, मंडल आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी मिर्जापुर, पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को अग्रेषित किया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से धर्मेंद्र पाल की खास रिपोर्ट। और आपके पति जी के नाम शकील अहमद। क्या आपकी क्या समस्या है? मेरा समस्या मेरे बेटी की मार के लटकाए थे फांसी में। कौन? नहीं था इरफान। क्या नाम उनके पति का नाम? इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर वासी। तो क्या हुआ घटना आपके साथ? मेरे बहन पहले तो रात में लड़ाई की, फिर 2 बजे रात मार के, 2 बजे रात मारे, 5 बजे सुबह से टांग दिए हैं। और सुबह बता रहे हैं कि, और फिर मैं बोल रहे हैं कि काना में खुद से लगा ली फांसी। आप इसकी सूचना प्रशासन को दी, शिकायत की है? हाँ, हम किए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, सब किए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन आपको मदद करना चाहता है? नहीं, मदद नहीं कर रहा है। कितने दिन हो, कितने तारीख को आपको? 5 तारीख की बात है, 6 तारीख को लटकाया। मुकदमा पंजीकृत होने पर अभी तक वो पकड़े नहीं गए? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए। क्या पुलिस काम उसमें नहीं कर रही है? नहीं नहीं, पैसा खाए घुस लिया वो, हम लोग मदद कर रहे हैं। आप लोग साथ इंसाफ नहीं हो रहा? नहीं, इंसाफ नहीं। आप क्या कहना, प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि मेरे बहन को क्यों मारा गया, मेरे बहन को मारने वाले को कड़ी से कड़ा सजा दिया जाए, जान बदले जान चाहिए हमको, उनको फांसी दिलवाइए जो मेरे बहन को मारा है। घर के कोई आदमी गार्जियन हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप बताइए। हाँ सर, हम यही चाहते हैं कि अभी अपना नाम बताइए। आगे आ जाइए और आगे आइए। नवसाद का नाम है मेरा। लड़की के कौन हैं आप? लड़की के चाचा हैं। क्या आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है सर कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे पापा ने, मेरे चाचा लोग, हम लोग सब किया, मजबूर तरीके से निर्मम हत्या की गई है कि किसी भी गांव में ऐसा नहीं हुआ है। वो लोग हल्ला मचा रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने पर अभी उनके आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? नहीं सर, अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए। हां, वहां छुपे अपने गांव में। आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस लोग इतना ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है। लालगंज। लालगंज जी, सीओ के पास भी हम लोग, वो भी कुछ कहा, कहा नहीं गए। सब जगह गए, सब लोगों के पास गए। वो लोग बोलते हैं कि आपस की मामला है, आपस में तुम लोग शादी की हो, समझौता हो जाएगा। बोले 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 बीघा खेत देंगे, समझौता नहीं करेंगे। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बस फांसी पे उन लोग को देखना चाहते हैं। जैसे मेरी बहन को फांसी चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए।